क्रिकेट की खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। साल 2020 में होने वाला एशिया कप कोरोना की भेंट चढ़ गया था, जिसके बाद ये टूर्नामेंट अब साल 2021 में होना है और ये टूर्नामेंट पाकिस्तान की जगह अब श्रीलंका में खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास एशिया कप 2020 की मेजबानी के अधिकार थे, लेकिन इसे कैंसिल करना पड़ा था। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी के सीईओ वसीम खान ने आगामी संस्करण के साथ 2022 में होने वाले एशिया कप की भी पुष्टि कर दी है और उन देशों का नाम बता दिया है जहां ये टूर्नामेंट खेला जाने वाला है। वसीम खान ने कहा कि साल 2021 का एशिया कप अब श्रीलंका में खेला जाएगा, जबकि पाकिस्तान के पास साल 2022 के अधिकार हैं। एशिया कप अगस्त और सितंबर के महीने में होने वाला था, लेकिन आयोजित नहीं किया जा सका। ऑस्ट्रेलिया में होने वाला टी20 विश्व कप भी 2021 तक के लिए टाल दिया गया था। इसके अलावा इंडियन प्रीमियर लीग, जिसे मार्च में स्थगित कर दिया गया था, उसका आयोजन यूएई में हुआ था। तो वही वसीम खान ने कहा कि अगले एशिया कप की मेजबानी श्रीलंका के पास है, जो जून में खेला जाएगा। हमारे पास 2022 के एशिया कप के अधिकार हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहेगा कि पाकिस्तान में नियमित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी हो और भारतीय टीम भी पाकिस्तान का दौरा एशिया कप के लिए करे, लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई की राय इस पर क्या होगी, ये देखने वाली बात है। क्योंकि 2021 में भारत में टी20 विश्व कप खेला जाएगा, जिसमें पाकिस्तान की टीम भी भाग लेगी। गौरतलब है कि इस साल का एशिया कप पाकिस्तान में होना था, लेकिन भारत ने पाकिस्तान अपनी टीम भेजने से साफ इनकार कर दिया था। तो वहीं साल 2022 में एशिया कप अगर पाकिस्तान में हुआ तो भारत उसमें हिस्सा लेगा या नहीं।